सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। यहाँ पे है हमारे पास R15 V4 जो कि ब्लू कलर पे, जो मैंने दिखाया था यहाँ पे R6 का बेजिंग जो था वही बाइक है। अभी भाई ने उतार कर रखा है, तो अभी है बाइक ब्लू और ग्रे कलर पे, थोड़ा सा ये ब्लूइश टाइप का है तो ऐसा कुछ है। और भाई ने इंस्टॉल करके रखा है ये मिरर, यहाँ पे इंडिकेटर भी है, मैं जला के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा बाइक, और यहाँ इसका मतलब इंडिकेटर स्विच शायद यहाँ पे है, तो चेक मार सकते हो आप लोग। इंडिकेटर कुछ इस तरह का जलता है, और ये फोल्डेबल भी है, आप लोग ऐसा फोल्ड भी कर सकते हैं इसको। और इसका जो मिरर है यहाँ पे, ये मूव भी होता है, आप एडजस्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छा है। आपके अकॉर्डिंग ये आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे भाई के पास एग्जॉस्ट भी है विद डीबी किलर, और डीबी किलर हटा कर नहीं रखा है भाई ने, तो आवाज़ तो मैंने पहले सुनाया था आप लोगों को, तो एक बार फिर से आवाज़ सुन लो। तो इस बाइक को हम लोग लेके जाएंगे आज हौजाए पे, भाई का कुछ काम है, तो मेरा डोमिनर को मैं नहीं लेके आया, तो इसी बाइक से जाएंगे। तो चलो अभी जाते रहते, और मैं चलाता हूँ आज V4 फेयरिंग बाइक बहुत दिनों के बाद, और वो भी एक थोड़ा सा राइड मतलब जाएंगे हौजाए तक, जो कि 40 किलोमीटर जैसा है। चलो इधर से निकल देते हैं। ये है पार्क हुआ, तो हम लोग का घर के सामने ही है, तो इधर से हम लोग निकल दे रहे हैं अभी। और इसका सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा अलग हो गया, तो शायद मेरा कैमरा एंगल कुछ अलग आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, बट भाई फेयरिंग बाइकों का मज़ा ही कुछ अलग है। थोड़ा सा ट्रैक पे आप लोग चला रहे हो ऐसा फील आता है, और बहुत स्टाइलिश लगता है यार। मैं तो ज़्यादातर मतलब नेकेड बाइक ही चलाता हूँ ना, अपना डोमिनर जो है, तो इस पर आने से कुछ अलग फील आता है मुझे। फेयरिंग बाइकों का बात ही कुछ अलग है, आप लोग लीन आराम से ले सकते हो इस बाइकों पे, और विंड ब्लास्ट इतना नहीं पड़ता है। अगर मैं डोमिनर चलाऊं तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट पड़ता है, और इस पर थोड़ा सा कम है। अब आप अगर ऐसा झुक के चलाओ तो विंड ब्लास्ट ना के बराबर आता है मतलब चेस्ट पे, बट थोड़ा सा हाथ पे और नेक पे पेन होता है। आप लोग अगर थोड़ा ज़्यादा वेट रहने वाला हेलमेट पहनो तो आपको नेक पे थोड़ा सा पेन होगा, बाकी कोई मसला नहीं है, सब कुछ स्मूथ है यार। तो थोड़ा सा फेयरिंग बाइक 40 बाइकों के लिए ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलो अभी जाते रहते हैं। और इधर पे एक हमारा ब्रोका मतलब घर है भित्री, जो मेरे साथ पहले राइड पे जाता रहता था, अभी भाई शायद कहीं दूर पे रहता है तो आजकल दिखाई नहीं मिलता है उसको। और ये रहा पार्क हुआ, यहाँ पे पहले एक चार्ज था, इसे तोड़ दिया है भाई। कुत्ता देखो यार, बीच रास्ते पे बैठा है, उठ गया अभी, बीच रास्ते पे घूम रहा है कुत्ता। तो ये रहा पार्क हुआ, भाई रास्ते रास्ते पे रहते यार। तो पहुंच चुके हैं जंगल डोबोकर रिजर्व पे, और V4 के साथ थोड़ा सा स्लो ही चला रहा हूँ क्योंकि ब्रो का बाइक है, और मुझे मतलब विलेन पे इतना खींचने का मन नहीं है, तो इसी कारण थोड़ा सा लिमिट पे खींच रहा हूँ मैं। फेयरिंग बाइकों का मतलब बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे पूरा फोटोशूट चल रहा है कार पे, यहाँ पे लोग बहुत फोटोशूट करने आते हैं यार। लोकेशन ही कुछ इस तरह का है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, बहुत प्यारा लोकेशन है यहाँ का। ग्रीनरी व्यू है चारों तरफ, बीच पे सड़क है, सेक्सी रोड है भाई, सेक्सी रोड है। तो
मिरर को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर हो गया था, मतलब उस टाइम पे मैं आप लोगों को दिखाया था तो थोड़ा सा वो हो गया था मिरर क्या, मैं देख पाए पाए देखने को मिलता है भाई, फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, इसके कारण मैं एडजस्ट कर लिया इसको। तो अभी मिरर का व्यू बहुत सही आ रहा है, ये मिरर बहुत अच्छा है यार, आप लोग के पास अगर V3 है V4 है तो ये मिरर लगा देना, व्यू बहुत अच्छा है और स्टाइलिश भी दिखता है यार। तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा शायद, ये फ्लिपकार्ट से लिया था भाई ने। फिलअप कर लेते हैं, मैं क्रॉस होकर चला गया था भाई, भाई को करना है फ्यूलअप अपना बाइक पे, तो बैम्बू गाड़ी को क्रॉस होने दो, बैम्बू वाला ई रिक्शा भाई लग जाएगा क्या। चलो तो ये भी पेट्रोल फिलअप कराने के लिए आया शायद, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बैम्बू लेके जाता है इस पर भी, तो फ्यूल अप करना है हम लोगों को इधर पे। तो हो गया हम लोग का फ्यूल अप यहाँ पे, तो सीधा भी चलते हैं हौजा की तरफ। तो फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं अभी हौजा पे, तो ये इस तरफ है हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा सा है, तो यहाँ पे चेक मार सकते हो आप लोग इधर है, तो हम हॉस्पिटल इधर पे है, बहुत बड़ा सा। और भाई को लेना है बुक्स यहाँ से, हम लोग का मार्केट पे नहीं मिल रहा था तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे आ गए, सामने ही है, इतना दूर भी नहीं है हम लोग का उधर से, अराउंड 40 किलोमीटर जैसा होगा हम लोग का घर से। तो बुक्स देखते हैं, अगर मिल जाएंगे तो लेके जाएगा भाई मेरा, बुक स्टॉल पे चलते हैं फिर देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। तो टाउन एरिया का रोड इतना अच्छा नहीं है, हो जाएगा गड्ढा ही गड्ढा है, देख पा रहे हो आप लोग, कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद आगे पे, मैंने देखा था तो वो बना रहा है धीरे धीरे करके सब कुछ। यहाँ पे है बजाज का शोरूम जहाँ से मैंने अपना पहला बाइक लिया था, तो वो मेरा पहला बाइक था, मेरा फर्स्ट बाइक जिंदगी का, तो वही था 220F। तो इधर से हम लोग को लेना पड़ेगा अभी लेफ्ट साइड, यहीं पे था बुक स्टॉल क्या, तो यहाँ पे पूछ के देखते हैं एक बार यहाँ पे मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी पूछा हम लोगों ने, उधर भी पूछा एक बुक स्टॉल पे, उधर भी नहीं मिला, तो यहाँ पे लास्ट पूछ के देखते हैं कि होता है कि नहीं, मतलब मिलता है कि नहीं। तो बुक्स हम लोगों को नहीं मिला यहाँ पे, तो हम लोग इधर से निकल देते हैं और जाते हैं अपना वहीं पे, मतलब बाइक का कुछ करेगा भाई, मतलब आए हैं तो कुछ करके जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकर लगा के जाएगा भाई शायद अपना बाइक पे, पहले तो R6 लिखा हुआ था, अभी उतार दिया उसको, अलग बना कर रख दिया है रोड को, यहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा शायद। तो यहाँ पे भाई ने V4 पे थोड़ा सा स्टिकर किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा किया है और इधर हो रहा है स्टिकर थोड़ा सा, तो हो जाने के बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसा लुक्स दे रहा है अभी। और इधर है ड्यूक 250, यहाँ पे एग्जॉस्ट चेक मार सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है एक्ट्रा पोविक का है, तो बहुत सही लग रहा है इधर से। और भाई का गाड़ी रेडी होने तो फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसा है कैसा नहीं है, स्टिकर करने के बाद कैसा लुक्स दे रहा है, आप लोग देख लेना एक बार। तो फाइनली हम लोग का काम कंप्लीट हो गया है, तो इधर से चलो निकल देते हैं, और क्या क्या किया है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, अभी तो फिलहाल शाम हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकर किया था जो आप लोगों ने थोड़ा सा दिखा था, तो वो मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगा इसका नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तो आप लोगों को दिखाई दे देगा, मतलब क्या क्या किया है क्या क्या नहीं किया है सब कुछ दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। और यहाँ पे सुपर बाइक का कंटेनर है भाई, ये फेक कंटेनर है बट लुक्स के मामले में बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी फ़िलहाल रुकते हैं इधर पे,
चलो जाते हैं, हो गया, खुल गया। तो अभी होजाई टाउन को कहते हैं बाय बाय, इधर से हम लोग घर की तरफ जाएंगे, जाते जाते तो रात हो जाएगा। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, मिलते हैं आप लोगों को एक नया सा वीडियो पे। तो तब तक के लिए क्या करना है आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखना है ताकि मेरे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं एक नया सा वीडियो पे। लाइट लाइट ठीक है सर।